भी जियो, ये चाय पार्टी और ये गपशप बातें बातें, इसके अलावा भी कुछ करोगे? आपको पता ना वीकेंड आने वाला है, कुछ ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ टिम्मी भाभी कि बस हमारी जो दोस्ती है ना बहुत पक्की हो जाए। अरे शिल्पा भाभी आप ठीक कह रहे हैं, वैसे इस वीकेंड तो मैं भी फ्री हूँ फॉर अ चेंज। कोई ना ऐसा, आप क्यों हंस रही हैं? फ्री रहती नहीं फ्री होना तुम इसलिए हंसी आ गई। हाँ ठीक है, 24 घंटे फ्री रात है। चुप कीजिए आप, तो कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि एकदम यादगार रहे, लाइक वीकेंड मस्ती विद भाभी जी। पढ़ तू कप को, चीनी है नहीं इसमें। जैस से ना बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बकवास करो, शिल्पा भाभी बड़े बड़े प्लान बना लेती हैं, इन दोनों के प्लान ना फेल हो जाते हैं। वैसे फेल पे याद आया, तू फिफ्थ स्टैंडर्ड में फेल हुई थी ना? आप चुप कीजिए, आप तो नर्सरी में भी फेल होती थी, पैदा भी नहीं हुई थी। पट्टी खुल गई कस्तूरी भाभी, एक साथ फेल हुए थे। खैर मेरे कनाडा वाले जो प्लान बनाते थे ऐसा प्लान बनाते थे, ऐसा प्लान बनाते थे, पता नहीं कैसा प्लान बनाते थे। हाय मुझे तो कनाडा की याद आ गई, मैं तो वही जाके वीकेंड बनाऊंगी अब। वैसे शिल्पा भाभी ये वीकेंड वा वही को कहते हैं ना जो शनिवार और रविवार को घूमे जाते हैं ना सब लोग, है ना? जी सही पकड़े हैं। लेकिन ना वो कहा है कि हम शनिवार को शनि मंदिर जाते हैं तेल चढ़ाने और रविवार को हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो ना फिर हम जा नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। भाभी जी भक्ति ठीक है, बट तेल भगवान जी को भी चढ़ाते हो और अपने सर भी चढ़ाते हो। अरे वो फिर हमरी गुलाबो अकेली पड़ जाएगी, फिर हमरी वो बकरिया है ना हीरा मोती वह अकेले पड़ जाएगी, और हमरे मरदवा नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे। कस्तूरी भाभी बोरिंग बोरिंग बोरिंग। वैसे कस्तूरी भाभी अब ये अपनी बकरियों और भैंसियों को ना जरा अपने पति देव के हवाले कर दो, वही उनके साथ भै भै और मैं करें अब। और सबसे बड़ी बात ये मत भूलना कि आने से पहले ना पूरी छोले जरूर ले आना। वैसे आई एम ऑन डाइट, 11 पूरी से ज्यादा नहीं खाऊंगी, बट कहीं बाहर जाते हैं तो खाना पीना हो ही जाता है। 11 हाँ, हाँ। वैसे टिम्मी भाभी एकदम सही और बहुत बढ़िया आइडिया दियो। हम अपने मरदवा को कहेंगे कि हमरी गुलाबो और हीरा और मोती का बहुत घर में रह के ख्याल रखे, और फिर आप टेंशन ना लो, हम आपके लिए ना एक बाल्टी में छोला और एक बाल्टी में पूरी भर के लेके आएंगे। पैक भी कर लूंगी। वैसे जैस तुम का बना के लेके आ रही हो? कस्तूरी भाभी देखो आप तो अपने हो, आपसे क्या छुपाना, मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। आखिरी बार वो 14 अगस्त के दिन बनाया था और वो सारा का सारा जल गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि जैस डार्लिंग अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो दोबारा खाना मत बनाना, तो तभी से बस मेड रख ली। खाना नहीं बनाना आता है, मुंह बनाना आता है। चुप कीजिए आप, तो वो बनाऊंगी ना मैं वो 2 मिनट वाली नूडल्स, अगर आप लोग चाहते हैं वो बड़ी अच्छी बनाती हूँ, या फिर मैं मेड से कहूंगी पुलाव बना दे, पुलाव तो वो बहुत ही अच्छा बनाती है, पुलाव इज माई फेवरेट ऑल्सो। अच्छा ठीक है, जैस भी बना के ले आएगी, जैसे जैसे कस्तूरी भाभी भी बना के ले आएंगी। लेकिन टिम्मी भाभी सर आप बताओ आप क्या बनाओगी? अब सुनो ये मुंह मत छुपाओ, ठीक है मुंह मत छुपाओ, बताओ टिम्मी भाभी से बताओ जरा क्या बना के लियो। देखो जैस को बनाने की जरूरत नहीं, आप दोनों को भी बना दूंगी बेवकूफ। यही उम्मीद थी टिम्मी भाभी आपसे। वो तो रोजे बनावो तो। वैसे मेरे माइंड में ना एक बेस्ट आइडिया आया है, वैसे भी सारे बेस्ट आइडियाज शिल्पा भाभी के माइंड से ही तो निकलते हैं। क्यों ना हम लोग, क्यों हंसी आ रही है इतनी, क्यों ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले साथ साथ। अरे हाँ, और हमका ना लॉन्ग ड्राइव से ना एक ठो गाना याद आ रहा, सुना ही वो वाला है ना लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। कौन सा गाना है ये? देखा इनका तो पता ही नहीं है। और वैसे शिल्पा भाभी हमका ना अपने वो जो हमरे मरदवा है ना वो हमका इंडिया गेट लेके गए रहे साइकिल पे, वो होते ना लॉन्ग ड्राइव, आगे डंडे पे बैठी होंगी। एक सेकंड, इंडिया गेट गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए? आपको कुछ भी नहीं पता है, जैज आपको बताएगी क्या होता है लॉन्ग ड्राइव। देखो आप गाड़ी में बैठे और आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वाह सॉरी सपनों में खो गई थी, ये होता है लॉन्ग ड्राइव। देहात से बाहर निकली और शहरी बनी है। हाँ बड़ा शहरी, देखा फटे कपड़ा पहना थे और खाना बनाना तो आता नहीं है और खुद को बताते शहरी। लॉन्ग ड्राइव बसों में धक्के खाती है। वैसे कस्तूरी भाभी सही बात की, जब लॉन्ग ड्राइव की बात हो रही तो मेरी भी सलाह लो लो, क्या मजा है भाई लॉन्ग ड्राइव में, बैठे एक ही जगह चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। अरे मजा तो है, म्यूजिक श्यूजिक होना चाहिए, भंगड़ा शंगड़ा होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए। आई एम पंजाबी यार, जब तक पार्टी ना हो ना तो मजा ही आता। ऐसा है आप तीनों की अगर बातें हो गई हो तो अपना दिमाग चला लीजिए और एक बेस्ट आइडिया निकालिए जल्दी से। वो भाभी जो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग ना ज्यादा सोचिए मत, आप लोगों के ना घुटनों में दर्द हो जाएगा। लागत है वहीं से सोचे थे। चुप कीजिए। और कस्तूरी भाभी कह रही थी ना इंडिया गेट, इंडिया गेट चलते हैं, बहुत मजा आएगा।
की बात हो ही रही है ना, तो मैं कह रही हूँ भाभी जी दिल्ली दर्शन का प्लान बना लो, बहुत मजा आएगा, आइसक्रीम खाएंगे वहीं। अरे नहीं नहीं, इंडिया गेट नहीं चलेंगे, वो कहा है कि हम एक बार ना जा चुके हैं, और वैसे भी दिल्ली में इतना सारी जगह है, हुआ चलते हैं। अरे हाँ चिड़िया घर चलते हैं, हुआ जानवरों के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, सेल्फी मजा आएगा, जाने की जरूरत क्या है, यही पे चिड़ियाघर खुला हुआ है। वैसे आपसे ना यही उम्मीद की जा सकती थी, चिड़ियाघर, जानवर, बिल्ली, घोड़ा, ये शेर, हमको बहुत प्यार है ना जानवरों से, यही लिए। अरे भाभी जी कोई अच्छा सा प्लान बनाओ ना, ऐसा प्लान कि हमारे जितने भी पड़ोसी है ना सोसाइटी के, वो प्लान सुनकर ना एकदम जल जाए। तो पता है ना क्यों जलेंगे, हमारी खुशियां देखकर। तो भाभी भाभी बनाओगे एक प्लान? मैं बनाती हूँ एक धातु का प्लान। डोले प्लान बता दो। कौन सा प्लान बना? टिम्मी भाभी आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है ना, तो जल्दी से बता दीजिए वीकेंड का क्या प्लान बनाया, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। हाँ बोलती तो इतना ज्यादा है, खाती भी उससे ज्यादा है, हम भी तो देखें ये कंप्यूटर जैसे दिमाग ने आज क्या किया है, मारती भी तेज। वैसे जैज और शिल्पा भाभी, टिम्मी भाभी वैसे तो बहुत भारी है, लेकिन हमका ही लागत है कि ये जिम्मेदारी देखना कहीं हम लोग का भारी ना पड़ जाए। काम इनसे कौन होता नहीं, सब उल्टा पुल्टा कर देती है, और भैया इनके सामने खाने की बात हो जाए तो खुद को ही भूल जाती है। सही कह रही है, हमें प्लान चढ़ गई है, मुझे दी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ो। वैसे मैंने इतना धातु प्लान बनाया है, सबसे पहली चीज सब लोग अपने घर से अच्छा खाना बना के लाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि सब लोग तैयार होंगे, जो हमारा धर्म से अधिकार है, सच के तवर ज्ञान है, और फिर हम जाएंगे। तीसरा ये है कि फिर हम जाएंगे जिम कॉर्बेट 2 दिन के लिए। ओह माय गॉड, पहली बार तक के लिए घूमने। कस्तूरी भाभी ये क्यों फोन कर रहे हैं, आटा गूंद के रोटी तो बनानी थी, उसके लिए भी फोन कर देते हैं। अब इनके हस्बैंड का फोन क्यों आया है? हाँ जी हाँ जी, अच्छा थैंक यू जी, लव यू जी, उन्हें आंधी है। टिम्मी भाभी क्या हुआ, टिम्मी क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही हो? आई एम सो सॉरी जी, मैं नहीं जा सकती हूँ जी, मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, 60% ऑफ चल रहा है, सेल पे शॉपिंग करा रहे हैं वो खुद की खुद। ये टिम्मी भाभी बहुत ना धोखेबाज, अब हम जा रहे हैं धरना पे बैठने। टिम्मी भाभी धोखेबाज, टिम्मी भाभी धोखेबाज।